वही कोटा शहर के राजकीय जेडीबी कन्या महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर गीता राम शर्मा रहे। इस दौरान कॉलेज के बच्चों को स्कूटी वितरण किया गया। साथ ही महाविद्यालय में आयोजित होने वाली सह शैक्षणिक गतिविधियों की विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी मेधावी छात्राओं को बधाई देते हुए देश का नाम रोशन करने की बात कही। कोटा से तेजपाल सिंह बग्गा की रिपोर्ट। भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये अमृतकाल का समय देश में महिलाओं को समर्पित है, और जिस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। आने वाले समय के अंदर हमारी महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं, ताकि वो अपने ऊर्जा से, अपनी काबिलियत से, अपनी फैसलों से, अपने निर्णयों से नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। मुझे आशा है कि हमारी युवा महिलाओं में जिस तरीके का जोश है, उत्साह है, उमंग है, समर्पण है, सेवा है, संवेदना है, आने वाले समय के अंदर नए विकसित भारत बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होगा।